नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 4 जुलाई के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है आषाढ़ का, तिथि कृष्ण पक्ष की दशमी की तिथि है, रविवार का दिन है, नक्षत्र है अश्विनी, योग है सुकर्मा और करण है वाणिज्य। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियां लेकर के आ रहा है। ओम चक्रिणी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में आप बिल्कुल न करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी प्रतिभा तथा बौद्धिक क्षमता द्वारा उत्तम कार्य कर पाएंगे। ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी वृद्ध व्यक्ति का अनादर या उनकी बातों की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज समाज तथा निकट संबंधियों में आपकी उपलब्धि की सराहना होगी। ओम चंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भूखे पेट घर से निकलने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा में आपका ध्यान रहेगा। ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और दिन में शयन करने से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी आनंदोत्सव में आपको भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी में कोई नया काम आज आप कर पाएंगे। ओम ग्रह पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा में लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज मान सम्मान मिलेगा, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा। ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रात्रि काल में बाग बगीचे में उपवन में जाने से आपको बचना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी लंबी यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं, मन में प्रसन्नता रहेगी। ओम गतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संध्या काल में अध्ययन करने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज शैक्षणिक व शोध इत्यादि कार्यों में आपको सफलता मिलने के योग दिखते हैं। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यात्रा करने से आपको बचना होगा। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज भूमि भवन व से संबंधित क्रय विक्रय कार्य की कुछ आप योजना बना सकते हैं। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आलस्य बिल्कुल भी आप अपने ऊपर हावी न होने दें। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परीक्षा व प्रतियोगिता आदि में सफलता प्राप्त होगी। आय में वृद्धि के योग दिखते हैं। ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और दिल की बात आप हर किसी से चर्चा न करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज बेरोजगारी दूर करने के प्रयास आपके लिए सफल होंगे। क्रोध और उत्तेजना को आपको नियंत्रित रखना होगा। ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संपत्ति या उसके अलावा अन्य कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आपको बचना चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज शारीरिक कष्ट की आशंका आपके लिए प्रबल दिखती है। ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लक्ष्मी कारक कौड़ियां किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को मालामाल बना सकती हैं। 4 ऐसे टोटके बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही प्रभावशाली हैं और शुभ और विशेष तिथियों में इनका आप लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये उपाय और टोटके। धन कारक कौड़ी, जिन्हें लक्ष्मी कारक कौड़ी भी कहते हैं, वह सफ़ेद, भूरी और पीली तथा चितकबरी, इन 4 तरीके के प्रकार की होती हैं। इन्हें माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यह समुद्र से प्राप्त होती हैं। कौड़ियों के कुछ बहुत ऐसे सरल टोटके हैं जो आपको कुछ ही दिनों में मालामाल बना सकते हैं। क्या हैं वो टोटके, समझ लीजिए। पहला टोटका यह है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ 11 कौड़ियों की पूजा करें। इन कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में आप रख दीजिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी हमेशा पैसे से भरी रहती है। दूसरा उपाय यह है कि अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके आप लटका दीजिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि तो आती ही आती है, साथ ही साथ आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई तंत्र मंत्र या कोई नजर दोष का प्रभाव आपके घर में फिर नहीं रह जाता। कोई नजर दोष वगैरह का प्रभाव लगता नहीं है आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के परिजनों के ऊपर।
तीसरा उपाय ये है कि अगर आप बुरी नज़र से अपना बचाव करना चाहते हैं तो एक पीले रंग की कौड़ी को अपने गले में ताबीज़ की तरह आप धारण कर लें। ऐसा करने से कोई भी बुरी नज़र आपको छू भी नहीं पाएगी। चौथा उपाय ये कि अगर आप आगामी सावन के महीने में अपने घर की उत्तर दिशा में 11 पीले रंग की कौड़ियाँ को हरे कपड़े में बांध करके छुपा देंगे तो कुबेर देवता प्रसन्न होकर के आपको मालामाल कर देंगे। तो दोस्तों, ये तो बात रही शास्त्रों में बताए हुए उपायों की। आशा करता हूँ कि ये उपाय जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं वह बहुत पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह करता हूँ कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।